संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों के सीजन में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और कई बार हमारे घर में कुक राइस बच जाते हैं, तो आज हम इसी लेफ्ट ओवर राइस में से एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे और वो है राइस पकौड़ा, जिसमें हम सीजन के अकॉर्डिंग मेथी का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बॉल में राइस ले लेना है। हम पकौड़े का बैटर तैयार कर रहे हैं। राइस थोड़ा ओवर कुक हो तो अच्छा है, और नहीं तो फिर हम उसको हाथ से मैश कर लेंगे। ये मेरा राइस, मेरे पास ओवर कुक राइस ही है, और थोड़ा सा इस तरह से, नहीं तो हम मैश कर सकते हैं राइस को। थोड़ा सा इस तरह से राइस को मैश कर लिया है, अच्छा एक बाइंडिंग आएगा राइस से। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं प्याज। एक प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, बारीक प्याज मिक्स कर दिया है। अब मैंने ये हरी मिर्च को, दो हरी मिर्च एकदम बारीक कट कर ली है। बहुत ही अच्छा फ्रेश क्रंच और स्वाद आएगा। हरी मिर्च मिक्स कर देते हैं, और साथ में हम मिक्स कर देंगे एक बाउल मेथी। मेथी को मैंने दो तीन पानी से साफ धो लिया है, बारीक कट करके। मैंने आपको बताया कि आप इसमें नमक लगाकर भी इसका पानी थोड़ा निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप नमक के पानी में भिगो कर रख सकते हैं, जिससे कि इसका थोड़ा कड़वापन निकल जाएगा, यदि बच्चों को पसंद नहीं हो तो। फ्रेंड्स, सीजन है इसलिए मैंने फ्रेश मेथी ली है। आप इसकी जगह हरा धनिया, पालक या कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें मिक्स करती हूँ बेसन। फ्रेंड्स, ये मैंने एक कप बेसन मिक्स किया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग का थोड़ा प्रोमिनेंट फ्लेवर लिया है मैंने, 1/4 teaspoon हींग। बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा बेसन के साथ। और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 teaspoon, साथ में लाल मिर्च डालेंगे, आप स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 teaspoon में ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च भी हमने ली है। और नमक डालेंगे हम स्वादानुसार, और ये मैंने धनिया थोड़ा दरदरा क्रश कर लिया है। बहुत ही अच्छा इसका एक क्रंच मुंह में आता है स्वाद। मैंने 1 teaspoon धनिया लिया है, और सौंफ भी हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा प्रोमिनेंट, 1 teaspoon से थोड़ी ज्यादा। मिक्स कर लेते हैं सब मसालों को, और बेसन और राइस को हाथ से ही सब अच्छी तरह से मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका घोल तैयार करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से पानी डालकर मैंने इसको थोड़ा सा फेंट लिया है। एकदम गाढ़ा घोल बनाएंगे तो पकौड़े हल्के नहीं बनेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं तो पकौड़े अच्छे हल्के बनेंगे हमारे, और इस तरह से फेंट लेना है इसको। फ्रेंड्स, ये पकौड़े के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा है, धीमी आंच पर रखा है अभी। अब मैं इसको, थोड़ा ये गर्म हो गया तो यही गर्म तेल हम 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे पकौड़े में। तेल गर्म है इसलिए हाथ नहीं डालना एकदम, और इस तरह से हम स्पून से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने राइस को मैश कर लिया है, और पानी डालकर बैटर को भी अच्छी तरह से फेंट लिया है, और हमने मोयन भी डाला है, इसलिए अंदर से ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से इसका बिल्कुल चीज़ी टेक्सचर आएगा, जैसे कि चीज मेल्ट होने के बाद टेक्सचर आता है, उस तरह से टेक्सचर आएगा, क्योंकि हमने राइस को थोड़ा सा मैश कर लिया था। और अब मैं गर्म तेल में इसके पकौड़े तलती हूँ। तेल गर्म हो जाए फिर गैस को एकदम स्लो कर देना है पकौड़े डालते वक्त। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मेथी की खुशबू आ रही है, और ये पकौड़े एकदम हल्के बनेंगे, बहुत तलने के बाद ये ऊपर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है, और क्रिस्पी हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मेथी के गोटे, प्याज के पकौड़े, मूंग दाल के पकौड़े, और इस प्रकार के बहुत सारी पकौड़ा रेसिपी यूट्यूब पर शेयर की है आपके साथ। जरूर देखिए संगीता विश्वरूप चैनल पर, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मैंने प्लेलिस्ट में इसके डिटेल्स भी दे रखे हैं। फ्रेंड्स, पकौड़े अच्छे गोल्डन हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। क्रिस्पी भी हो गए हैं, और मेथी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और इसी तरह मैं सारे पकौड़े बना लेती हूँ, और फिर मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी।